आप पार्थिव परमाणु में होने वाले रूपों के परिवर्तन को लेकर विचार जो चल रहा है रूप रस गंध स्पर्श का, उसका वर्णन किया कि भाई पार्थिव परमाणु में ही रूपों का परिवर्तन होगा, अतएव हम पीलुपाकवाद के समर्थक हैं, पितृपाकवाद का नहीं। स्थापित करने के बाद अब गधे पार्थिव परमाणुओं में रूपांतरण की उत्पत्ति होती है, ये कैसे निश्चय किया आपने? है या नहीं? रूप उत्पन्न होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन एक रूप जो उत्पन्न हुआ वह हट करके रूपांतर भी परमाणु में ही उत्पन्न होगा, इसमें क्या प्रमाण है? पहली बार जो परमाणु में पहला जो गुण पैदा हुआ था वो जो रूप रहा होगा वही सदा बना रहे। लेकिन आप कहते हो नहीं, वह पाकज भी सिद्ध किया है ना आपने, पाक से जन्य होने के कारण से वह रूपांतरित होता है। तो रूपांतरित यदि होता है तो उसको प्रमाण से सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि ही लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। अतएव अनुमान बना रहे उसके लिए भी देखिए, अब विवादास्पदम आश्रय नाश नाश्यमान कार्य व्यतिरिक्त गुणाश्रय गुणवत्वात् समवाय कारणत्वात् आप्तवत्। विवादास्पद जो पार्थिव परमाणु है जिसमें रूपांतरण की उत्पत्ति होती है, उस परमाणु को पक्ष बनाना है, पार्थिव परमाणु विवादास्पद पक्ष है, वह कैसा है? आश्रय नाश नाश्यमान कार्य से भिन्न कार्यभूत गुणों का आश्रय, क्योंकि परमाणुओं में द्विणुक पैदा हुआ, दो परमाणु मिले एक द्विणुक बन गया, और तीन द्विणुक मिल गए एक त्रिश्रेणु बन गया, तो परमाणुओं में विद्यमान वस्तु है द्विणुक, उसके नाश से नाश किसका होएगा? त्रिश्रेणु का। यानी जैसे आपने कपड़ा जला दिया तो सारे धागे जल जाएंगे, या धागे नष्ट हो गए तो कपड़ा नष्ट हो ही जाएगा, निश्चित है। कारण का नाश होने से स्वगत कार्य का नाश तो होता ही है, अतएव परमाणुगत जो द्विणुक है, या पहले आश्रय क्या सदी में आश्रय ना द्विणुक, उसके नाश के द्वारा नाश्यमान कार्य हो गया कौन? त्रिश्रेणु। उससे भिन्न कार्य क्या हो रहा है परमाणु में? रूपांतर उत्पत्ति। आश्रय नाश नाश्यमान कार्य से व्यतिरिक्त गुणों का आश्रय, उससे भिन्न गुणों का वो आश्रय, उससे भिन्न कौन हो गया? वही रूपांतर रूप रस गंध स्पर्श। ये ऐसे हैं जिनका आश्रय का नाश का संभावना ही नहीं है, तो परमाणु का नाश होता है क्या है? इसे आश्रय नाश नाश्यत्व रूप रस गंध स्पर्श में नहीं आएगा, क्योंकि इनका जो आश्रय है परमाणु उनका नाश होता है। जो द्विणुक रूपा जो आश्रय, उस आश्रय के नाश के द्वारा नाश्य, उस आश्रय में आश्रित जितने भी कार्य है, क्योंकि द्विणुक उत्पन्न होने के बाद में ही उसे एक परिमाण विशेष पैदा होता है। परिमाण क्या है? महद आरंभकत्व परिमाण। तो परमाणु में पारिमंडलीय परिमाण है और त्रिश्रेणु में महत् परिमाण आ गया है, इन दोनों का बीच का कड़ी है द्विणुक। उस द्विणुक में न पारिमंडलीय परिमाण है न महत् परिमाण है, द्वित्व संख्या के वजह से उसके महत् आरंभकत्व नाम के विशेष परिमाण मान लिया गया, महत् आरंभकत्व नाम का विशेष परिमाण मान लिया गया। न वो महत् है न पारिमंडलीय है। क्यों? कारण क्या है? पारिमांडल्य परमाणु का इसलिए परिमाण माना कि वह अत्यंत सूक्ष्मत्वात्, त्रिश्रेणु में त्रित्व कारण से बहुत हो गया, बहुत्वादि वह महत्व आ गया, ठीक। अलग द्विणुक में द्वित्व के कारण से न महत्व है न वह सूक्ष्म है, परमाणु जो सूक्ष्म नहीं रह गया द्वित्व जुड़ने से, दो के जुड़ जाने से, और न त्रित्वादि आकर के बहुत्व की वजह से महत्व भी नहीं हुआ है, किंतु ऐसा बीच का कड़ी होने से हम क्या कहते हैं? महत् आरंभकत्व परिमाण उसके अंदर है। वह परिमाण का विनाश होगा कि नहीं होगा द्विणुक का नाश होने से? वह परिमाण वह गुण नष्ट हो जाएगा। कब? जब आश्रय का नाश हो जाए। अतः आश्रय हो गया द्विणुक, उसके नाश से नाश्यमान कार्य हो गया महद आरंभकत्व भी परिमाणत्व गुण, उससे भिन्न गुण कौन है? रूप रस गंध स्पर्श, उनका आश्रय परमाणु, जो कि आश्रय नाश के द्वारा नाश्य होने वाले कार्यों से भिन्न कार्य है, क्योंकि ये कार्य कैसे हैं? इनका आश्रय कभी नाश ही नहीं होता
यानी परमाणु का नाश नहीं। इसलिए आश्रय का गुणक उनके उनके नाश के द्वारा होने वाले नाश्यमान जितने भी कार्य महदारमक परिमाण आदि उनसे भिन्न गुण हो गया रूप रस स्पर्श, उनका आश्रय आपका पक्षभूत परमाणु है। गुणवत्वात् हेतु है समय कारणत्वाद् वा, अथवा दूसरा हेतु दिया समय कारण होने से आत्मा। दृष्टांत क्या है? आत्मा के समान, आत्मा के समान आश्रय नाश नाश्यमान कार्य से वितरित गुणों का आश्रय आत्मा भी है। आत्मा में कैसे घटाओगे? आत्मा का कैसे घटाएंगे? आश्रय नाश के द्वारा नाश्यमान कार्य से भिन्न गुणों का आश्रय आत्मा बनना चाहिए, तभी तो साथी गया आत्मा में दृष्टांत में। यहां लेना क्योंकि आत्मा को पहले सिद्ध कर चुके हम व्यापक है, भले ही प्रतिशरण भिन्नम अनेकम तथापि व्यापकम, व्यापक होने के नाते उसका साथ घटपट आदि का भी संयोग है। इसलिए आश्रय हम लेंगे घट, घट रूप आश्रय का नाश होने से नाशमान कार्य क्या है? घटगत रूप रसगन स्पर्श आदि, उससे भिन्न गुण कौन हो गया? ज्ञान सुख इच्छा देश प्रयत्न आदि, उनका आश्रय आत्मा दृष्टांत में घट गया। आश्रय लेना घट, घट है रूप आश्रय नाश होता है, उसके द्वारा जिसके नाश होने पर नाश्यमान कार्य हो गया घटगत रूप रसगन स्पर्श संख्या आदि, ठीक। उससे भिन्न गुण कौन है? ज्ञान सुख दिशा प्रयत्न आदि, उनका आश्रय दृष्टांत आत्मा हो गया। और उस आत्मा में गुणवत्व भी है हेतु, अतः समय कारण हेतु भी विद्यमान, अतएव व्याप्ति आत्म ग्रहण होगा और उसके आधार पर पक्ष में रूप रसगन गुण का रूप रस गंध स्पर्श इन चार गुणों की उत्पत्ति का सिद्धि हो गया। कहते ठीक है, अब इस रूप में रूपत्व जाति है क्या? क्योंकि जाति कहां मानते हैं आप? नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम, जो नित्य है एक है अनेकों में समवाय संबंध से रहने वाला होना चाहिए। तो रूप में रूपत्व जाति तभी मानी जा सकती है यदि रूप को पहले अनेक हो तो, तभी ना स्वरूपत्व रहेगा, क्योंकि जो अनेक नहीं है उसमें जाति नहीं है। तो लक्षण अपने कहते हैं नित्य एकम अनेक समवेतम या अनेकानुगतम, अर्थात सप्त प्रकार के रूप अपने इसलिए माना है, सात प्रकार के रूप माना है। और साथ में छह तो सभी के द्वारा मान्य है, सातवां चित्र रूप के बारे में बड़ी लड़ाई झगड़ा चलता है, चित्र रूप मानना है या नहीं मानना है, इसके लिए कई अनुमान यहाँ पर उठाएंगे। पहले रूपत्व सिद्ध करेंगे कि हमारे पास अनेक रूप है, तो रूपत्व सिद्ध करेंगे। रूपत्वम अनाश्रितेपि संवेतम रूप जातित्वात् सत्तावत्, रूपत्व जाति कैसी है? अनाश्रित रूप में भी संवेत होता है, अनाश्रित रूप में भी संवेत होता है, अनाश्रित भी संवेतम, क्यों? रूपगत जातित्वात्, रूपगत जाति होने से, जैसे कि सत्ता जाति अनाश्रित रूप में भी संवेत है का मतलब क्या? अनाश्रित रूप में भी संवेत है ये साध्य बना दिया आपने, है? ऐसे भी रूप है जो आश्रित नहीं है, कह रहे हैं आप अनाश्रित रूप में भी समय समय रहने वाला वस्तु होने से। इसका आश्रित रूप और अनाश्रित रूप दो प्रकार के हैं, मानना पड़ेगा। तो आश्रित रूप कौन है, अनाश्रित रूप कौन सा है? आश्रित रूप वो है जो विद्यमान है, अनाश्रित वो है जो उत्पद्यमान है। जैसे श्याम घट है, मतलब घड़ा बनाया आपने तो क्या रहता है वो रंग उसका? कुछ काला काला, जैसे मिट्टी का रंग होता है मिट्टी का, और उसमें भी चिकना मिट्टी मिला तो कुछ सूखने के बाद वो काला काला सा दिखता है थोड़ा। फिर उसको आपने भट्टी में डाल देते हो, जब वो भट्टी में डाल रहे हैं उस समय जो रूप है उसका नाम श्याम रूप है, पकने के बाद निकलने के बाद उसका हम कहते हैं रक्त रूप है। तो श्याम रूप हो गया विद्यमान रूप, आश्रित रूप वह घट में आश्रित है। अब भट्टी में डाला हूं घड़े को, अभी घड़े में रक्त रूप पैदा नहीं हुआ है, और रक्त रूप क्या है? अनाश्रित रूप है। उसमें भी लेकिन रूपत्व मानना पड़ेगा, उत्पद्यमान जो रूप है उसमें भी रूपत्व,
जैसे गर्भस्थ बच्चा है, अभी उत्पन्न तो हुआ नहीं, अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, लेकिन उसमें भी आप मनुष्यत्व मानोगे नहीं मानोगे, जीवत्व मानोगे नहीं मानोगे, तभी तो जीवहत्या कहते हो, नहीं तो कहां से जीवहत्या, जितना गर्भ गिरे गिरते रहे जीवहत्या कहां रह गया। लेकिन आप उसमें भले पैदा भी हुआ नहीं है, एक ही जीव का शरीर के अंदर विद्यमान है, फिर भी उसके पृथक एक जीव मानते हो, अर्थात गर्भिणी स्त्री तो उस एक शरीर के अंदर जो दो जीवात्मा माननी पड़ेगी, है ना, गर्भिणी के ऊपर ही एक आत्मा और उस बच्चे का एक आत्मा, दो हो गए ना एक शरीर में, नहीं तो जीव हत्या कहां होगा। इसलिए उत्पत्तिमान शरीर में भी जीव तपने माना यथा तथा अनाश्रित रूप कहने से उत्पद्यमान रक्त रूप जो भविष्य में होने रक्त घट का रूप है उसको लेना है, उसमें भी रूपत्व जाति मानना पड़ता है। रूपत्व अनाश्रित संवेदन रूप जातित्वात सत्ता, अनाश्रित का इसलिए क्या कर देना उत्पद्यमान, इस प्रकार से रूपत्व जाति उत्पन्न अनुत्पन्न सकल रूपों में सिद्ध हो गया। अब एक बात कहते हैं, घटादि में ही सीधा रूप क्यों उत्पन्न अपने मानते हो, घटादि में ही श्याम रूप नष्ट होकर के रक्त रूप उत्पन्न हो गया, ऐसे पितृपाकवादी दोबारा खड़ा हो रहा है, कहता है घट अवस्था में ही सीधे श्याम रूप के नाश पूर्वक रक्त रूप की उत्पत्ति अब क्यों नहीं मानना चाहते, तब कहते हो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, कहते विवाद आश्रय अनेक रूपाधिकरण न भवति अवयवित्वात् शुक्ल तंतुवत्। विवाद आश्रय विवादास्पद जो घटादि है वो कैसे है, अनेक रूपों का अधिकरण नहीं हो सकता, घट में या तो श्याम रूप होगा, नील घट या श्याम घट बोलते हैं कालापन, तो नीलपना होगा या श्यामपना होगा, या तो रक्त होगा पकने के बाद, एक बार में एक अवयव में एक ही रूप हो सकता है, अनेक रूप नहीं हो सकता, क्योंकि रूप एक ऐसा गुण है, रूप रस गंध, रस को तो कई लोगों ने भी नहीं माना, इन रूप गंध आदि उनको माना है, वो क्या है व्याप्य वृत्ति गुण है, यावत द्रव्य भावी गुण है, हम क्या कहते हैं यावत द्रव्य भावी, पूरे द्रव्य व्याप्त होकर जब तक द्रव्य तब तक रहने वाला, और घट रूपी अवयवी जब तक रहेगा तब तक उसका एक रूप ही हो सकता है, इसलिए अनेक रूप नहीं हो सकता, इसीलिए घट में कोई रूप उत्पन्न नहीं हो सकता है, घट का नाश होना जरूरी है, घट नष्ट हो जाए, नष्ट होते होते परमाणु तक नष्ट हो गया और परमाणु में जाकर रूप परिवर्तन होएगा, फिर जीवा दृष्टि की वजह से वो परमाणु फिर जुड़ जाते हैं, जुड़ करके दृढ़ क्रम दोबारा रक्त घट का निर्माण हो जाएगा। इसलिए कहते देखो वह जो विवाद आश्रय भूता जो घट रूप अवयवी है वो अनेक रूपों का अधिकरण नहीं हो सकता, अवयवी होने से शुक्ल तंतु के समान, जैसे सफेद धागा है तो सफेद धागा है, वैसे लाल नहीं है, लाल है तो लाल ही है सफेद नहीं है, शुक्ल तंतुवत्। अतएव अब दृष्टांत प्रसिद्ध करेंगे हम, विवादास्पदम नीलत्व अधिकरण, ये शुक्ल तंतु कैसा है, नीलत्व का अधिकरण नहीं है, अतः विवादास्पदम पटा ले लो, कपड़ा जो तंतु से बना हुआ है, यदि कपड़े से हम क्या लेंगे पीले कपड़े को लो, जानकर दृष्टांत से हटा करके शुक्ल से हटा के पीले रंग को पक्ष बना, विवादास्पद पीत पट वह न नीलत्वाधिकरण, नील का अधिकरण नहीं है, क्यों पीत आरब्ध पीत से आरब्ध होने से, और विपरीत में क्या करना विवादास्पद माने नीलत्व को लेना नीलपट वो कैसा है न पीतत्वाधिकरण, वो पीतत्व का अधिकरण नहीं है, जो पीत है वो नील का अधिकरण नहीं है, जो नील है वह पीत का अधिकरण नहीं, नील आरब्ध क्योंकि नील से आरब्ध है वो, पीतवत नीलवच्च, पहले वाले के लिए पीतवत दृष्टांत लेना, दूसरे में नीलपटवत दृष्टांत लेना, तब इस प्रकार से एक सिद्ध किया एक अधिकरण में एक कालावच्छे देना एक ही रूप हो सकता है दूसरा नहीं हो सकता, अतः घट रूप अवयव में भी श्याम रूप जब रहेगा तब वहां रक्त रूप का परिवर्तन नहीं हो सकता, ये स्थापित किया इस अनुमान से, तो अनेक रूपों का आधार नहीं होता है क्योंकि अवयवी है शुक्ल रूप वालों से, नील और पित्त तंतुओं से निर्मित पट में एक चित्र रूप माना जाता है, अतः क्या करना पड़ेगा हमें नील तंतु से भी पैदा कर दिया
और पीत तंतु का भी प्रयोग कर दिया है, सफेद तंतु का भी प्रयोग कर दिया है, अनेक तंतुओं का प्रयोग करके कपड़ा बन गया। और उस कपड़े में कौन सा रूप मानोगे आप? तो कर देना चित्रापट न पिताश्रयवान, केवल पिताश्रय वाला भी नहीं है ना वो पट, विवादास्पद बहुरंगी कपड़ा है, वो कपड़े को पक्ष बना दो। विवादास्पद जो पट है वो कैसा है? वो केवल नील वाला नहीं है, केवल पीत वाला नहीं है, केवल रक्त वाला नहीं है, फिर है क्या वो? अरे नील पट नहीं है, पीत पट नहीं है, वो रक्त पट नहीं है, वो किंतु चित्र पट है। इस तरह से चित्र की सिद्धि करनी, चित्र रूप का सिद्धि। इसलिए पक्ष में आप विवादास्पद उन पटों को लेना जिसमें अनेक रंग होते हैं। ये जो दूसरे तीसरे रंग में दिया ना विवादास्पद न नीलत्वाधिकरण, विवादास्पद कौन लेना? जो बहुरंगीन पट को लेना, वो कैसा है? वह नीलत्व का अधिकरण नहीं है, क्यों? पीत से भी आरब्ध है। वही पट पीत भी से पीताधिकरण भी नहीं है, फिर यदि कहो पीत से आरब्ध पिता पीत पट मानो उसको, वो भी नहीं कह सकते हम, क्यों? नील से भी आरब्ध है वो। तो नील भी तो उभय मात्र से मान लो तो वो भी नहीं, रक्त से भी आरब्ध है वो। अतएव नव नील पट है, नव पद पीत पट है, नव रक्त पट है, इन सबका खिचड़ी होता चित्रपट। इस तरह से चित्र रूप की सिद्धि कर दिया। अचित्र पट का सिद्धि के विपरीत में सत प्रतिपक्ष पूर्व पक्ष खड़ा कर रहा है, ये सत प्रतिपक्ष अनुमान दे रहा है। अभी विवादास्पद पितत्वाधिकरण पितारब्धत्वात् पितपटवद् इति चेत् न, कई बार ऐसे होता है ना एक रंग ज्यादा है, अब जैसे यही कपड़ा पहन रखे हैं, सफेद रंग ज्यादा है, लाल अकल बॉर्डर बॉर्डर में लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे हम? सफेद कपड़ा बोलेंगे? भ्रांति है आपको, सफेद कपड़ा थोड़ी है वो, नायम शुक्ल पट रहा, ये शुक्ल पट हो नहीं सकता है, अब इनको परेशानी होगी। नायम शुक्ल पट रहा तदपि ना शुक्ल पट रहा, बॉर्डर है ना, क्यों शुक्ल पट नहीं कहा जाए? सब चित्रपट है, शुक्ल बहुत चित्रपट रहा, शुक्ल बहुत चित्रपट रहा, हाँ एक रक्त पट है, इसका भी है श्वेत पट है, केवल इसका मिक्स नहीं है, उसका भी ठीक लग रहा, उसका भी बॉर्डर है, ओ भी क्या चित्रपट वाला है, वो भी चित्रपट वाला है, हाँ हाँ उनका भी तो एक ही रंग है सारे कपड़ा नील पटा। इस प्रकार से जो है कहते पूर्व पक्ष खड़ा कर रहा है विवादास्पद जो है पीतत्व प्रधान है, श्वेत बहुड़ है, कोई एक रंग बहुड़ को आधार पर बनाकर कर रहा है पीतत्वाधिकरणम पीतारब्धत्वात् पीतपटवति चेत् न, ये नहीं हो सकता, क्यों? विरुद्ध जात समावेश समावेशेन बाधितत्वात्, विरुद्ध जातीय मन नीलत्व पीत से भिन्न गया, नीलत्व रक्तत्व आदि जाति तंतुओं का भी समावेश दिखाई दे रहा है, अतएव वह केवल पीत नहीं है, पीत भोड़ वाले हो श्वेत भोड़ वाले ही हो, उसको पीत पट या श्वेत पट नहीं कह सकते। एक बार जो है ऐसे हम लोग कला शास्त्र जब पढ़ते रहे विद्यार्थी जीवन में, तो एक व्यक्ति एक विद्यार्थी था सत्र, तो उन्होंने एक नया ग्लास खरीद के लाया, तो हम लोगों के पास तो मंजे मंजे पुराना हो गया था, वो अहंकार से बताने लगा ये देखो हमारा नया ग्लास है कितना बढ़िया चमक रहा है चारा दिखता है। मैंने कहा तुम्हारा जितना नया है ना उससे भी ज्यादा नया हमारा ग्लास है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा देखो देख रहे हो ना यहाँ देखा ना आपने, वो पकड़ा मैंने इसको इधर देख यहाँ देख ये नया हो गया, ये तो जिस कालावच्छेद ने आपने देखा 10:20 पे अब 10:22 पे ये दूसरा है, ये दूसरे में नया हो गया, ये नया हो गया, तुम्हारे तो पुराना है कल का खरीदा हुआ है, यहाँ तो हर क्षण नया हो जाता है ना, न्यायिकों के यहाँ जो है त्रिक्षणावस्था ही है सकल द्रव्य, नहीं त्रिक्षणावस्था चौथे क्षण में तो नया हो गया है, तो पुराना कहाँ रह गया हमारा? हमारा तो हमेशा नया नया ही रहता है, हमारा तो पुराना होता ही नहीं, पुरा भी नवाई भी पुराण है ना, पुरापि नवैवेति पुराणम्, वेदांत में पुराण शब्द प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? आत्मा के लिए
आत्मा के पुराण चलकर यही करते भाष्यकार वा पुरा पिशन नवैव तदयमपि पुरा पिशन नवैव। हर क्षण बदलता है, क्षणभंग निष्ठा है ना, पूर्व क्षण वाला नष्ट हो ही गया और उत्तर क्षण में वो नया मानना पड़ेगा। तो रोज रोज नया हो रहा है, हर चीज रोज रोज नई आई है, कोई चीज पुराना होता ही नहीं। एक मन की एक भ्रांति है, हम किस चीज को पुराना मानते हैं, किस को नया मानते हैं। भूतकालीन क्षणों की अपेक्षा को लेकर के तत्कालीन वृत्ति, उस वस्तु की वृत्ति को ध्यान में रखता हुआ आप उसको पुराना कह लेते हैं। जैसे शरीर का है या किसी का भी शरीर है, वो शरीर के भूतकालीन वृत्तियों को यदि भूल जाए आदमी तो क्या कहेगा, मैंने आज जन्म लिया, बोलेगा वो या नहीं। ये विस्मृति हो जाए, आज से पहले जितने साल का था वो सारे सालों का भूल जाएंगे, अभी आप खड़े हो जाएं और अगर बुद्धि काम करने लग जाए तब क्या बोलोगे, अभी मेरा जन्म हुआ या नहीं। क्योंकि आपकी स्मृति बनी रहती है ना इतने सालों की, खेला कूदा हुआ सारा मामला, इसीलिए वो सब याद रख करके आप बोलते मैं इतने साल पुराना हो गया। जिनकी विस्मृति हो जाती बीमारियों के कारण से, देख लो उनका हाल पता नहीं चलता उनका, कब जन्म हुआ कब मरण हुआ क्या मालूम। इसी प्रकार यहां पर भी कहते देखो, विरुद्ध नाना रूप जातीय रंगों का समावेश होने के कारण से यह सब प्रत्यक्षण मान आपका बाधित हो जाता है। अन्यथा विवाद पद गोत्वाधिकरणम पार्थिवाद इत्यपिश्यत, नहीं तो हम ऐसे भी कह सकते हैं विवादास्पद जो घोड़ा है, ये घोड़ा कैसा है, गोत्व जाति वाला है, क्यों भी पार्थिव है, ऐसे भी अनुमान कर देगा कोई, घोड़े में भी गोत्व जाति देखने लग जाए। विवादास्पद अयम अश्वः गोत्वाधिकरणम पार्थिवादिवदिति अपिश्यत, ऐसा भी कोई अनुमान करने लग जाता। अतएव आप जिस तरह का अनुमान कर रहे हो वह सत्य प्रतिपक्ष नहीं हो सकता। इतना ही उपाधि दोष भी है, रूपत्व अवांतर पीतत्व व्यतिरिक्त जाति अनाश्रय रूपत्व च उपाधि ही। क्योंकि इस अनुमान में पीतत्व से भिन्न, पीतत्व से भिन्न जाति का अनाश्रय रूपत्व च उपाधि, रूपत्व व्याप्य जाति कौन हो गए, सारे रूप हो जाएंगे, नीलत्व पीतत्व सब रूपत्व के व्याप्य जातियां हैं, तो रूपत्व व्याप्य जाति की अनाश्रयता उपाधि बन सकती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके व्याप्य जातियों के अनाश्रयत्व को भंग करना है। क्योंकि वो कैसे हैं, वो रूपत्व व्याप्य का जाति नीलत्व व्याप्य तो जो भी पूर्व पक्षित कर रहा है उससे भिन्न जाति का भी वो आश्रय है या नहीं, अतः यत्र यत्र तर साध्य होगा तर से उपाधि बन जाएगी। इसे कहता है पितत्व अधिकरण जो आपने लिया वहां पर हम उपाधि देंगे, रूपत्व अवांतर जो पीतत्व है उसे व्यतिरिक्त जाति का अनाश्रय होने लग जाएगा। जबकि कैसा है वो, व्यतिरिक्त जातियों का आश्रय है। ये तेना शुक्लम रूपम एकमेव इति निरस्तम, इसे जो कोई कहता है रूप एक ही होता है सात प्रकार का नहीं है वो गलत है। रूप जो है केवल सफेद होता है बाकी सब औपाधिक है, ऐसा जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, रूप तो सात प्रकार का है। तरतम भावस्याद दृष्टि, इतना ही नहीं शुक्ल रूप में भी, शुक्ल रूप भी अनेक शुक्ल है, एक शुक्ल नहीं है। अब यहां भी दीजिए देख लो, वो शुक्ल वो शुक्ल सब अलग अलग दिख रहे हैं सफेद है ना, कोई शुक्लता है शुक्ल शुक्लता में, कोई केवल शुक्ल है, कोई ईश्वर शुक्ल है, नहीं सफेद दिख रहा चमक रहा है, नया नया पहनेगा तो बिल्कुल चमकता हुआ दिख रहेगा, और बहुत बार धो धो कर सुखा से और उसका पीलापन सा आ जाता है उसके अंदर हल्का सा है, और कल तो नील खूब डाल देते हैं तो नीला सब हल्का सा दिखाने देने लगता है उसमें। तो इसलिए कहते शुक्ल में भी केवल एकमेव शुक्ल रूप मानना भी उचित नहीं, शुक्ल में भी तरतम भाव से अनेक शुक्ल हो जाता है। ये नहीं समझ में आती है तो पेंटिंग का दुकान में चले जाना और पेंटिंग का कार्ड मांग लेना उससे, पेंट का दुकान होता है ना, पेंट का दुकान, पेंट के दुकान में जा करके उसको बोलना भाई पेंट का कार्ड दे रहे हैं हमको, हमको रंग चुनना है, आपको देगा 356 के रंगों के कार्ड, इतने रंगों का रंग रहता है, और क्या है सात का ही अनंत भेद कर दिया है, तरतम भाव से वो अनेक हो गया। और उससे भी ज्यादा आजकल तो आपको जो रंग चाहिए वो रंग तैयार कर सकते हैं,
कंप्यूटराइज सिस्टम हो कर दिया है, अनेकों सात रंगों को रख दिया गया डिब्बों में भरा हुआ है मशीन में, और यहाँ टाइप टूप करके आपको रंग दिखा देगा, आपको जो पसंद आ जाए वो रंग को ओके कर देगा। उतनी इतनी मांशा हर चीज उतनी तरह से निकल करके मिल जाएगा, मिल करके आपको रंग तैयार होकर बाहर आ जाएगा, ऐसे हो गया। या उनके पास कार्ड है उसे चुन लो ये रंग हमको चाहिए, उस समय तैयार होकर आपके पास मिल जाएगा, अलग अलग रंगों के डिब्बा बेचने की जरूरत नहीं, ऐसे सिस्टम बन गया। इसे अनंत रूप है, सात प्रमुख है, और वैसे शुद्धतम भाव के कारण से अनंत रूप है। इसे किसी के एक को लेकर के शुक्ल एक है नील एक है कुल के सात ही है ऐसे भी गणना नहीं करना चाहिए। तरतम भाव के वजह से रूप अनंत हो जाता है, अतः रूपत्व जाति की सिद्धि में कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा, यदि रूपगत अनुभूयमान तरतम भाव की अपेक्षा करके जलीय परमाणुगत रूपों के समान आप एक रूपता ही मानने लगोगे तो उसे गुण न कह करके जाति कहना पड़ जाएगा, सामान्य कहना पड़ेगा, ये कथन करना चाहते। यदि आप कहते हो नहीं रूप एक ही होता, जैसा जल का रूप क्या होता है अभास और शुक्लम जले भास और शुक्लम तेजसी, जल में एक ही रूप है, सात रूप नहीं है, तेज में भी एक ही रूप है, तद्वत पृथ्वी में भी जो रूप है वो एक एक ही होते हैं। यदि ऐसा कोई कहने लग जाए तो उसके लिए कहते नहीं नहीं फिर तो ऐसा करने लगोगे वह रूप ही नहीं है और गुण ही नहीं है, ऐसे में कहना पड़ जाएगा। वह कहते विवाद नित्यत्व सदी अनेकार्थ वर्तमान सामान्युक्तम स्या, यदि आप कहोगे वह नित्य है एक है फिर तो वो अनेकों में रहने वाला नित्य ये क्या हो जाएगा, वो सामान्य हो जाएगा, वो तो गुण ही नहीं रह गया, आपने तो गुण को ही नाश मार दिया। क्योंकि जिस चीज को आप कथन कर रहे हो कि शुक्ल कहाँ है, अनेकों कपड़ों में है, अनेकों कपड़ों में शुक्ल था या नहीं, अनेकों कपड़े में होता वो शुक्ल को एक आप कह रहे हो, और पृथ्वी के परम नित्य मान लिया आपने, जिस जल के समान नित्य मान लोगे तो नित्यम एकम अनेकानुगतम लक्षण कहाँ गया, शुक्ल रूप में, किसका लक्षण है ये सामान्य का गया शुक्ल रूप में, और तो रूप खत्म ही हो गया, रूप कह मत कहो उसको फिर, अब वो क्या है वो सामान्य कहना पड़ जाएगा, आपत्ति दे रहे हैं। इसीलिए अनेकों में रहने वाला जो शुक्ल है उसको तारतम्य भेदात अनेक ही मानना चाहिए, एक शुक्लत्व नहीं मानना चाहिए। इसे नित्यत्व सति अनेकार्थ वर्तमानत्वात् नित्य होता हुआ अनेकों में विद्यमान होने के नाते उस रूप को आप यदि उस लक्षण के अनुसार चलोगे तो सामान्य हो जाए इत्युक्तम स्यात् तस्च यावद्रव्यभावित्वात्, क्योंकि कोई भी रूप होता है वह यावद्रव्यभावी होता है, जब तक वह द्रव्य है तब तक उसका रूप है, तरतम भाव को भले प्राप्त हो जाए लेकिन रूप तो विद्यमान है। पाकजिशु रक्त प्रत्यो दुर्घटा, अतएव रूप क्या है नित्य नहीं स्थापित हुआ, याव द्रव्य भावी का मतलब क्या, जब तक द्रव्य तब तक रहेगा, द्रव्य नष्ट हुआ तो भी नष्ट हो गया, अर्थात रूप कभी नित्य नहीं होता। पार्थिव परमाणुगत रूप रसगन स्पर्श और पार्थिव कार्यों में भी रहने वाला रूप रसगन स्पर्श कभी भी नित्य नहीं होता। जैसे रक्त प्रत्यो दुर्घट स्यात्, रूप अनेक प्रकार का होता है और वह रूप चक्षु इत्यादि से गृहित होता है, बांधना ही पड़ेगा, ये नहीं मानते क्या होगा, फिर पाकज में रूप परिवर्तन की व्यवस्था ही बनेगी। यदि आप पृथ्वी के परमाणु का या पृथ्वी कार्यों का रूप रसगन स्पर्श को भी नित्य कह दोगे फिर जितना भी पाक करो रंग बदलेगा नहीं ना, वो सुवर्णवत सोने का रंग बदलता है क्या, जितना भी गला हो उसको रंग कभी नहीं बदलने वाला। तद्वत पार्थिव परमाणु के भी रूप सदा एक रहेगा, बदलेगा ही नहीं। ये जो व्यवहार हम देख रहे हैं शाम घटता और रक्त घट हो गया ये नहीं हो पाएगा, अतएव अभी मानना पड़ता है कि रूप नित्य नहीं होता, पृथ्वीगत रूप रसगन स्पर्श नित्य नहीं होते। तद अनेक प्रकार कम, इसलिए वह अनेक प्रकार का है यह मानना होगा। अब रूप का लक्षण करते देखो, गुणत्व सति चक्षु स्पर्शन और मध्य चक्षुषैव ग्रहणार्हं रूपम, चक्षुर मात्र ग्राही गुणो रूपम, ये कहा ना वहां पर, वही कह रहे एक तरह से चक्षुर मात्र ग्राही जो है और जो गुण है उसी का नाम रूप है। ये तेना इसी इन्हीं जो दस अनुमानों के द्वारा जैसे पृथ्वी के परमाणु और से कार्यों में रूप सिद्ध किया गया उसी प्रकार से रसगंध स्पर्श आप निरूपिता
रस गंध और स्पर्शों का भी अनुमान समझ लेना चाहिए। चित्रापित्यवगंतव्या, इसी प्रकार से स्पर्श में भी, गंध में भी, रस में भी चित्र रस, चित्र गंध, चित्र रूप भी मानना पड़ेगा, हमें चित्र स्पर्श भी मानना पड़ेगा। यथा चित्र रूप है तथा चित्र रस भी है। कुछ लोग नहीं मानते कि जिह्वा इंद्रियों में ऐसा बनावट है इस चीज का कि अलग अलग जगहों से अलग अलग रस को ग्रहण करता है। इसे भले आप चित्र रस वाला चीज डाल भी दोगे ना, एक बार में एक ही रस ग्रहण होगा, खट्टा पीटा जो भी अलग 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 करके वो ग्रहण करता है क्रम से। इंद्रियों की क्षमता इतनी तेजी से ग्रहण कर लेता है, आप निर्णय नहीं ले पाते, आपकी कमजोरी है। आते आप कह देते चित्र रस, इस तरह से अन्य लोग कहते हैं। इन वैशेषिक इस बात को नहीं मानता है, कहते हैं नहीं नहीं, रस में भी चित्र रसता होता है, रस में भी चित्र रसता है। भले औपाधिक है ना, जल में तो मधुर रस होता है, और जितने भी रस अन्य रस होते हैं वो पृथ्वी की संयोग के कारण से जल में अनुभव होता है, पार्थिव तत्वों के संयोग से। अतएव फिर भी कहते सभी अनेक प्रकार जो छड़ा षट प्रकार जो रस आपने माना है उनको लेकर के एक चित्र रस भी मानना चाहिए। सातवां, छह रूप होते हैं सातवां चित्र रूप है, छह रस होते हैं सातवां चित्र रस मानो। इसी प्रकार से दो प्रकार गंध आप जानते हैं, सुगंध और दुर्गंध, एक तीसरा इन दोनों का मिक्सचर चित्र गंध। स्पर्श भी आप दो जानते हैं, उष्ण और शीत, अनुष्णाशीत, और एक चौथा मान लो चित्र स्पर्श। लोग कहते हैं व्यवहार में बड़ा विचित्र स्पर्श है भाई, इसका समझ में नहीं आता क्या है ये ना कठोर है ना कभी मुलायम है ना कुछ नहीं, पता नहीं चलता क्या है कैसा है ये। व्यवहार में भी लोक में होता है उसके आधार पर ही कह रहे हैं। ते अपि अवगंतव्याः, अब इस रस का लक्षण गंध स्पर्श का लक्षण करने जा रहे हैं। गुणत्व सति रसनग्राह्यो रसः, गुणत्व सति रसनग्राह्यो रसः, रसनग्राह्य गुणो रसः। सर गुणत्व सति ग्रहण ग्राह्यो गंधः, गुण होता है ग्रहण इंद्र के द्वारा ग्राह्य है उसी का नाम गंध है। पृथ्वी स्पर्शवती रूपित्वा तेजवत्, अब पृथ्वी में स्पर्श है या नहीं यह प्रश्न उठता है। स्पर्श है तो कौन सा है, उष्ण है तो फिर तेज हो जाएगा, स्पर्श है तो फिर जल में चला जाएगा, फिर पृथ्वी का स्पर्श क्या होगा है? पृथ्वी में आपको वो स्पर्श मानेंगे तो इस पर सिद्धगर पर स्पर्श है उसमें, फिर विचार करें किस प्रकार का स्पर्श है, पर स्पर्श भी है या नहीं ये तो तय हो, तय नहीं स्पर्श है। पृथ्वी स्पर्शवती रूपित्वा तेजवत, रूपी होने के नाते रूपमान द्रव्य होने से तेज के समान, रूप के द्वारा स्पर्श का अनुमान किया जाता है। पृथ्वी स्पर्श वाली है क्योंकि रूप युक्त होने के कारण तेज के समान। अब वह स्पर्श कौन सा होगा, केवल उष्णत्वात् अनियतत्वात्, केवल शीतस्य अपि अनियतत्वात्, नैमित्तिकत्वात्, क्या कहेंगे हम अनुष्ण आशीत स्पर्शवत्तम, कि जो स्पर्श हम पृथ्वी में अनुभव करते हैं वह नैमित्तिक ही होता है, स्वाभाविक कोई स्पर्श से अनुभव में नहीं आता। स्वाभाविक उष्ण स्पर्श तेज में, स्वाभाविक शीत स्पर्श तेज में वह जल में है, और नैमित्तिक उष्ण और शीत होने के नाते पृथ्वी का स्पर्श हम क्या कहेंगे अनुष्णाशीत स्पर्श है। अच्छा, विवादास्पदम स्पर्शवत द्रव्यारम्भकत्वात् तेजवत्। आप पृथ्वी आदि चारों भूतों के परमाणु कटा ले लो, पृथ्वी जल तेज वायु, इन चारों के परमाणु कैसे हैं, कार्य के आरंभक होते हैं वे, कोई ना कोई कार्य, क्यों स्पर्शवद्ध विवादास्पद जो है ये चारों के चारों स्पर्श वाले होते हैं, क्यों द्रव्य आरंभकत्वा, क्योंकि द्रव्य के आरंभक होने से तेजोवत तेज के समान। द्रव्य में प्रकार गुण का अधिकारी उत्पन्न होता है, और आप जलीय कार्य अनुभव कर रहे हैं, वायवीय कार्य भी अनुभव कर रहे हैं, तेजस कार्य भी अनुभव कर रहे हैं, पार्थिव कार्य का व्यवहार तो होता ही है, इसलिए सारी चीजें होने के नाते ये कार्यारंभकत्व द्रव्यारंभकत्व नाम के हेतु चारों परमाणुओं में मानना पड़ता है। स्पर्श का लक्षण करते हैं, चक्षु स्पर्शणयोर मध्य स्पर्शणे नैव ग्राह्यो गुणः स्पर्श, स्पर्शणे नैव ग्राह्यो गुणः स्पर्श, चक्षु और त्व इंद्रियों में से त्व इंद्रिय के द्वारा मात्र ग्राह्य जो गुण है उसका नाम स्पर्श गुण है। मात्र यहां पर चक्षु ने रूप का लक्षण में मात्र आता है,
और स्पर्श के लक्षण में मात्र आता है, अन्य के लक्षणों में मात्र आप सब जोड़ते नहीं हो। क्यों? रसना मात्र ग्राह्य नहीं कहा, गंध मात्र ग्राह्य ऐसे नहीं कहते हो, या ग्राण मात्र ग्राह्य गंध, रसना मात्र ग्राह्य रस, ऐसे नहीं कहा गया। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि चक्षुरिंद्र के द्वारा जिस चीज को प्रत्यक्ष कर सकते हो उसी चीज को त्वगिंद्र के द्वारा भी प्रत्यक्ष कर सकते हो। यानी जल का प्रवाह है, अंधे को छोड़ दो वो भी बता दे, जल में खड़ा हो जाएगा मालूम हो जाता स्पर्श से जा रहा है पानी, प्रवाह है यहां पे। जो आंख से आप देख के जान रहे हो उसको त्वगिंद्र से भी जानने की नहीं जान लिया। संख्या है, अंधे में छू करके बता देगा दो है, तीन है, चार है, कितने हैं। ऐसे भी अंधे हमने देखे यूं नोट पकड़ लिया और बता पांच रुपए का नोट है, सब बोल देते कमाल। हमारे ये गुरु जी थे ना व्याकरण के गुरु जी थे, महेशचंद्र शास्त्री, वो अंधे थे बनारस में, प्रज्ञाचक्षु थे, उनको हम जान बुझे करते थे नोट सामने मंगाते थे, ले गया वापस, जब चिल्लर वापस करता था मैं दे देता उनको नोट। वो बोलते गुरु जी मैंने बहुत अच्छा खिला, 10 रुपये का नोट है देख लेना आप। इस तरह कई बार हमने देखा, रंग भी बोल देते थे, रंग भी कहते ये हरे रंग का नोट 10 रुपये का कैसे हो सकता है, बोलते थे 5 रुपये का हो गए। अपनी अपनी उनकी क्षमता जग जाती है, आंतरिक सामर्थ्य जग जाती है, इंद्रिय का गायब होने से दूसरे किसी इंद्रिय में जाएगा ना, किसी कहीं ना कहीं तो शक्ति जाएगी, तो यहां से हम लोगों का क्षीण हो रहा है वो कहीं ना कहीं तो काम करेगा, उनके भी तो खोपड़ी में काम किया ज्यादा। और ऐसी प्रज्ञा जग गई, 6-6 विषयों के आचार्य थे, 2 विषयों से गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक विजेता, बड़ा गजब विद्वान। तो चक्षु स्पर्शणी और मध्य स्पर्शणी, इसलिए क्या हुआ उसमें अत्यंत निवारण करने क्या करना पड़ेगा, मात्र कहना पड़ेगा कि संख्या हुआ, परिमाण हुआ, स्पर्श वगैरह क्या है, अंधा भी देख सकते बोल सकता है। इसीलिए कहते हैं वहां भी मात्र कहना पड़ा, यहां भी मात्र कहना पड़ा, ताकि अन्यों में अतिव्याप्ति निवारण करने, बल्कि उसके बावजूद भी अतिव्याप्ति बनी रह जाती है जो विशेष गुण आदि को लेकर के, तब क्या कहना पड़ता है, चक्षुर मात्र ग्राह्य जातिमत्तम रूप लक्षण। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कौन होगा, रूपत्व जाति, उसके अलावा कोई जाति चक्षुर से ग्राह्य नहीं होता। इसे जाति घटित लक्षण बनानी पड़ती है, जब जाति घटित लक्षण बना दोगे तो सर्व अतिव्याप्ति और व्याप्ति या दोष निवृत्त हो जाते हैं।